हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज की हमारी जो वीडियो है उसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इस वीडियो के अंदर हम बैक्टीरिया के जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए हैं, किस किस बेस के ऊपर बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कितने टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर शेप, अकॉर्डिंग टू देयर मोबिलिटी, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेनिंग। तो अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेजेबल के लिए भी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आज क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप्स के जो बैक्टीरियाज होते हैं उसका क्लासिफिकेशन किस किस बेस के ऊपर हम करते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ ना। अब हम देखेंगे इस वीडियो के जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या होंगे, वो आपको मैं बता देती हूँ, एक मिनट। ये हमारे इसमें होंगे जो हम बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे उसमें कौन कौन से बेस पर करेंगे, बेस ऑन स्ट्रक्चर के ऊपर और बेस ऑन स्ट्रेनिंग और बेस ऑन मोर्टिलिटी, इसके अकॉर्डिंग हम बैक्टीरिया को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग। जैसे उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करेंगे, किस किस टाइप की उसके स्ट्रक्चर शेप पाई जाती है बैक्टीरिया की, उसके आधार पर हम उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। एंड बेस ऑन स्ट्रेनिंग के आधार पर भी करेंगे कि स्ट्रेन जब करते हैं हम, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग कितने कितने टाइप्स के कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो मोर्टिलिटी है उसकी जो मोबिलिटी या मोर्टिलिटी कह सकते हैं, जैसे मूवमेंट होता है किस आधार पर वो मूवमेंट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम क्या करेंगे बैक्टीरिया को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेस ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पर हम जो बैक्टीरिया को डिवाइड किस तरह से करते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कोकाई, ठीक है, सबसे पहले क्या आ जाता है कोकाई। कोकाई का मतलब क्या होता है, शेप इन राउंड, ऐसे बैक्टीरिया जो कैसे शेप के होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, उनको क्या बोलते हैं कोकाई बोलते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल हैं वो आपके हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, डिप्लोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई, ये आपको याद रखने हैं। कोकाई का मतलब क्या होता है राउंड शेप के। नेक्स्ट जो है वो है बैसिलाई, बैसिलाई का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो कौन से शेप के होते हैं, रोड शेप के होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बैसिलाई बोलते हैं। इसमें कौन सा आ जाता है, कोकोबैसिलाई है, स्ट्रेप्टो बैसिलाई और बैसिलो एंथ्रोकोसिस है, ये सारे क्या है बैसिलस है, रोड शेप के होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है विब्रियो, विब्रियो है वो उसमें क्या था कोमा शेप के होते हैं, जैसे विब्रियो कॉलेरा जो कॉलेरा कॉज करता है वो वाला जो बैक्टीरिया है वो कौन से शेप का होता है कोमा शेप का होता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं विब्रियो बोला जाता है। नेक्स्ट है स्पायरोचीट, स्पायरोचीट मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिसकी शेप कैसी होती है स्पायरल शेप की होती है उनको बोलते हैं स्पायरोचीट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ट्रेपेनोमा, ठीक है, ट्रेपेनोमा पैलेडियम जिसको सिफिलिस का भी कॉज माना जाता है। नेक्स्ट जो है एक्टिनोमाइसिटीज है, एक्टिनोमाइसिटीज है जो कैसे होता है ब्रांचेज में होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है एक्टिनोमाइसिस और माइरिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी शेप मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, इस शेप को देख करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं और आपको समझने में बहुत इजी रहेगा। जैसे स्फेरी शेप या कोकाई, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो कोकाई कह सकते हैं या फिर स्फेयर भी कह सकते हैं। स्फेयर का मतलब भी क्या होता है ऐसे जिनकी शेप कैसी होती है गोलाकार होती है। अब इसमें आ जाता है डिप्लोकोकाई, डिप्लोकोकाई मतलब इसमें दो क्या होते हैं कोकाई, दो बैक्टीरिया आपस में जुड़े रहते हैं। स्ट्रेप्टोकोकाई क्या बनाते हैं स्ट्रिप के समान बनाते हैं, एक चेन बना देते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई बोला जाता है, ठीक है। टेट्राइड में क्या होता है चार का ग्रुप होता है, और सार्किना इस तरह से आपको दिखाई देता है, और ये क्या होता है स्टेफेलोकोकाई आयुरस ये दिखाई देता है। इस तरह से क्या होते हैं ये स्फेरिकल जो शेप में बैक्टीरिया होते हैं उनकी शेप यहाँ पर दिखाई गई, और कौन कौन से हैं ये जो आपको यहाँ पर दिखा गया। जैसे कि डिप्लोकोकाई होता है वो जो निमोनिया हो जाता है किस कारण होता है बैक्टीरिया कारण होता है, वो किसकी शेप कैसे दिखता है डिप्लोकोकाई जैसा दिखता है।
इसके अलावा जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेसिस है बॉडी में किसी भी तरह का जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है या फिर जैसे फुंसी वगैरह हो जाती है, तो उसमें जो बैक्टीरिया होता है वो इस तरह से दिखाई देता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इसकी शेप है वो इस तरह की दिखाई देती है। टेट्रा में इस तरह से दिखाई देता है। और इसके अलावा ये आपका है सार्सिना और स्टेफाइलोकोकस अयूरिस, ये भी क्या होता है, इसमें भी जैसे कफिंग है, स्नीजिंग है, इस तरह के जो इन्फेक्शन हो जाता है उसमें ये बैक्टीरिया इस तरह से दिखाई देते हैं। अब जो रोड शेप का जो बैक्टीरिया होता है वो किस तरह से होता है, कौन कौन सा होता है, इसमें क्या होता है, चेन ऑफ बैसिलाई होती है, चेन के अकॉर्डिंग होती है ये। एंड इसमें जो फ्लैजिलाज होते हैं, ठीक है, मूवमेंट करने के लिए, जैसे साल्मोनेला टाइफाइड, टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है वो इस तरह का दिखाई देता है। स्पोर फॉर्म होता है, ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटुलिज्म का होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा स्पायरोचीट, स्पायरोचीट में स्पेरिकल जैसा शेप में दिखा दे, जैसे ट्रेपेनोमा पैलेडियम जो सिफिलिस का कॉज करता है। इसके अलावा स्पाइरल है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये जो कॉज करता है ये किस तरह से दिखाई देता है, एक तरह से यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको भी कि जो इसके मूवमेंट के आधार पर या मोटिलिटी के आधार पर भी क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं, किस किस तरह से होता है। जैसे अगर इसको मूवमेंट करने के लिए एक फ्लैजिला होता है या उसके चारों तरफ फ्लैजिलाज होते हैं, ठीक है, इस तरह से उसके नाम के अकॉर्डिंग भी इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ हम केवल क्या देख रहे हैं, इसकी शेप देख रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना, इसके अकॉर्डिंग आपको इसको डायग्राम भी बनाना है एग्जाम में। अगर एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से लिखना है, लिखने के साथ साथ आपको क्या करना है, इस तरह से इसका डायग्राम भी बनाना है ताकि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके और एग्जामिनर आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको देख करके इंप्रेस हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट जो इसका हमारा टाइप है वो है बेस ऑन स्टेनिंग। जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसको कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जो ग्राम स्टेन में स्टेन करने के बाद वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, कोरोनी बैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम है, और क्लॉस्ट्रिडियम है, और लिस्ट्रिया है, और बैसिलस है। और इसके बाद हम आएंगे ग्राम नेगेटिव पर। ये तो सारे क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, थीके? ऐसे बैक्टीरिया जो ग्राम स्ट्रेनिंग में क्या देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, कौन से ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और दिस वन इज द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब आ जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से होंगे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ये है सुडोमोनास है, इसके अलावा नाइजीरिया, ब्रुसेला, बॉडीटेला, और हीमोफिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस और विब्रियो, ये सारे क्या है, इसके अलावा कैंपिलोबैक्टर, ये सारे आ जाते हैं आपके और साल्मोनेला, ये सारे क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये सारे क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो आप इन चीजों को क्या कर, अकॉर्डिंग टू देयर सेल वॉल के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, स्ट्रेनिंग करते हैं। तो वो कैसी होती है देख लीजिए आप यहाँ पर, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो किस कलर के दिखाई देते हैं, जब इसको स्टेन करते हैं ग्राम स्टेन में जब स्लाइड लेकर के स्लाइड बनाकर स्टेनिंग की जाती है, स्टेनिंग करने के बाद इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ग्राम पॉजिटिव के वो हमें किस तरह दिखाई देंगे, वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टेनिंग करने के बाद। तो ये हो गया, आपको ये याद रखने हैं कौन कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन कौन से बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है। इसका बेस ऑन मोटिलिटी, मोटिलिटी के आधार पर इसको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है या कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या है मोटिलिटी पाई जाती है उनमें, तो आप देख सकते हैं दो तरह के होते हैं, एक तो मोटाइल होते हैं, और इसमें कौन मोटाइल मतलब जो मूवमेंट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो जिनमें क्या पाया जाता है, मूवमेंट पाया जाता है, वो होते हैं ईकोलाई, साल्मोनेला, सुडोमोनास और ट्रेपेनोमा। इसके अलावा जो नॉन मोटाइल है वो आपके हो जाएंगे सिजेला है, माइकोबैक्टीरियम है, कोरोनी बैक्टीरियम है और मेनिंजोकोकाई, ये सारे क्या है नॉन मोटाइल है। अब क्या होता है, मोटाइल क्या होता है, इसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं ये मूवमेंट करते हैं। अब इसके आधार पर भी बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस, ठीक है, लोपोट्राइकस,
पेरिट्राइकस बैक्टीरिया और एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया। ये क्या होते हैं? मोनोट्राइकस का मतलब मोनो मींस होता है वन, ठीक है, ट्राइकस मींस होता है फ्लैजिला, जिसमें एक फ्लैजिला पाया जाता है मूवमेंट के लिए उसको क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस बोलते हैं। लोपोट्राइकस मतलब क्या है? इसमें एक ही साइड पर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिलास पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं लोपोट्राइकस। पेरिट्राइकस मतलब होता है जो बैक्टीरिया है उसकी सारी साइड पर पूरी तरफ उसको घेरे रहते हैं फ्लैजिला, उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस। पेरी मींस होता है चारों ओर, ठीक है, उसके क्या पाए जाते हैं? चारों ओर क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? पेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहेंगे। इसके बाद आ जाता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब उसके दो ओर पाए जाते हैं, ठीक है, दो साइड पर ही क्या पाए जाते हैं? उसके फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फ्लैजिला। फ्लैजिला कौन सी साइट पर पाया जाता है, कौन सी सिचुएशन है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है इस तरह से। इसके अलावा आप मोर्टेलिटी के आधार पर इनको आपको याद रखना है कि कौन से बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, मतलब जिनमें मूवमेंट पाया जाता है, कौन से बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, आप इनको देख लेना। अगर वीडियो में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स इन माई नेक्स्ट वीडियो। और वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए क्या देता है? मोटिवेशन देता है आपके लिए, और मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। आज का जो हमारा वीडियो था, मैंने आपको बैक्टीरिया के बारे में बताया, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया या टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो होगा हमारा जो वायरस और बैक्टीरिया है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये मैं उसमें करवाऊंगी। तो ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके एग्जाम में आते रहते हैं, और आप उनको किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से डिस्क्राइब करके लिखेंगे, वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। तो वीडियो हमारा आज का यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है और लगता है आपको वाकई हमारे लिए ये वीडियो बहुत नॉलेजेबल है, तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करें आपकी जो भी क्वेरीज है रिलेटेड टू लैब और रिलेटेड टू एनी मेडिकल फील्ड। ओके, सो थैंक यू।